दिन सभी माननीय और हमारे सामने उपस्थित सभी आदरणीय हमारे वकील और सभी साथी, विषय बड़ा गहन है। आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर संविधान चौक पर यह कार्यक्रम रखा गया। ये इतिहास के सुनहरे पन्ने पर लिखने वाली बात है। एक तो वकीलों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करना, जिसने संविधान लिखा उसके इस संविधान चौक पर इस कार्यक्रम का होना, और संविधान के पालन की और संविधान के रक्षा की बात करना, ये एक सोचने वाली भी बात है और एक दुर्भाग्यपूर्ण भी बात है कि जिसने ये संविधान लिखा, इस देश को संविधान दिया, देश की जनता के हित में दिया, हमारे अधिकारों के हित में दिया, और आज वही लोग अपने संविधान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी की बात है, दुख की बात है। और खुशी की बात इसलिए कहूंगा कि वकील इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिस समाज को न्याय देने का काम वकील करते हैं, इस न्यायपालिका में गुहार करते हैं, जिरह करते हैं, तो आज वकील इस बात को लेकर खड़े हो तो यकीनन आज न्यायपालिका विश्वास करने लायक बच्चे नहीं है, लेकिन वकील जिरह कर सकता है। ये बात आज अगर ईवीएम को लेकर खड़ा हुआ तो यकीनन हमारी जीत यकीनन है, हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वकील इस आंदोलन को चला रहे हैं। क्योंकि जिंदगी के अंदर दो बातें कही जाती है कि वकील से झूठ नहीं कहना चाहिए और डॉक्टर से झूठ नहीं कहना चाहिए। अगर कायदे और कानून का रक्षण करने वाले या सत्ता में बैठने वाले लोग अगर झूठ कह रहे हैं तो शायद वकील इस बात को पचा नहीं पा रहे कि आप सच नहीं कह रहे हैं। ये बात सामने आती है। किसी शायर ने ये बात कहा, कही है, मैं अक्सर कहता हूं वो बात, फिर से आपको कहा है, मैं उनके आपके सामने कहता हूं कि झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह अधिकारी नहीं है हम। हमने शिकार जब भी किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है। वतन को बचाने का, वतन को बनाने का हुनर बेहतर जानते हैं हम, बंदर नचाने वाले मदारी नहीं है। अगर इस देश में कोई भी बात अगर गलत तरीके से हो तो आज वकील जैसा एक वर्ग अगर इस आंदोलन को लेकर खड़ा होता है, और जिस दिन इस छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो उसके उपलक्ष्य को लेकर ये बात अगर कही जाती है कि रयता का राजा, जनता का राजा, जिस राजा ने इस महाराष्ट्र को नहीं, इस भारत भूमि को एक अपना नाम दिया, एक मराठा नाम दिया, वो एक मराठा जो जय भवानी जय शिवाजी का नारा जो लोग देते हैं और अपना राजकारण करते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि जो 2% का वर्ग है जो आज बाकी समाज को, इस भारत को बेवकूफ बनाकर उस सत्ता में बैठा हुआ है, इस महाराज का अपमान करने वाला वही वर्ग था। और वही उन्हीं लोगों को, उन्हीं मराठा को, उन्हीं लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जय शिवाजी जय भवानी कहते हैं तो उन्हीं लोगों ने इसका अपमान किया था। इनका फायदा लेकर, डॉक्टर बाबा साहब के नाम का फायदा लेकर सभी लोग सत्ता में जाना चाहते हैं और उन्हीं का अपमान करना चाहते हैं। इस देश की ऐसी शोकांतिका और दूसरी कोई नहीं हो सकती। आज हम अगर देखते हैं कि 1947 में अगर देश को हमने अंग्रेजों के हाथ से अगर हमने छुड़ाया था, आज 75वां हम दिन, वर्धापन दिन, या हमने जो सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव काल हम मनाने जा रहे हैं, ये अमृत महोत्सव हमारे लिए नहीं है, वो चड्डीधारियों के लिए। गौर करने की बात है क्योंकि 2025 उनके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें इसे बनाना है, इस भारत को, इस जनता के हित में भारत राष्ट्र नहीं देना है, उन्हें हिंदू राष्ट्र देना है। वो हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र देना है, लेकिन उन्होंने उन्हें ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। क्योंकि आप हर आदमी तेली माली कुंडी ये सब कहता है कि मैं हिंदू, लेकिन एक ब्राह्मण को जाकर जानने के बाद अगर पूछो तो वो हिंदू नहीं कहता, मैं ब्राह्मण। समझ में नहीं आता कि आप जा किस रहे हैं।
मैं किसी ब्राह्मणों पर टीका नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बौद्ध पर टीका नहीं कर रहा, मुझे क्रिश्चियन पर नहीं, सिख पर नहीं, ईसाई पर नहीं कहना है। आज ये जो लड़ाई है, यहाँ जो चल रही है, ये किसी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, कुंभी, तेली, वाली, आदिवासी, ओबीसी की नहीं, ये भारत की लड़ाई है। ये भारत की आजादी की हकीकत अब लड़ाई है। वो लड़ाई हमने नहीं देखी थी, शायद हमारी उम्र उस समय नहीं थी, और जो जिन्होंने लड़ाई देखी होगी, गुलामी देखी होगी, वो समझ सकते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस देश को अभी इन गुलामों से आजाद करना है, तो हमें बढ़ना पड़ेगा। हम वकीलों को ये बात कहनी पड़ेगी कि इतनी भी नम नहीं है की मिट्टी हमारी के बूंदाबांदी से डर जाएंगे, इतनी भी नम नहीं अजम की मिट्टी हमारी के बूंदाबांदी से डर जाएंगे, एक दिन करवट बदलेगा, वक्त हमारा आतिश बन के बरस जाए। अभी वो वक्त आ गया है। देश जब आजाद हुआ तब कोई भी क्रांति नहीं हुई थी सर, चाइना में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, जर्मन में क्रांति हुई, इस देश में क्रांति नहीं हुई। एक महात्मा आया था जो महात्मा गांधी था, जिसके अहिंसा के मार्ग पर इस देश को आजादी मिली, ये इतिहास कहता है। आज अभी ये वक्त आ गया कि अभी क्रांति करने का वक्त आ गया है। हम गुलामी की तरफ थे, गुलामी से आजादी की तरफ अगर हमें जाना है, डॉक्टर बाबा साहब का वो संविधान चाहिए, देश में वो गंगा जमुनी पहचान चाहिए, देश में हमारा सलोखा अगर चाहिए, तो अब वो वक्त है कि हमें सबको एक आना पड़ेगा। यह बड़ी दुख की बात है, शायद आज आपका वकील वर्ग हजारों की तादाद में हाईकोर्ट में काम करता है, कई और जिला कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, और कई सारे कई वकील है, मेरे ख्याल हजारों की तादाद में होंगे। तो आज वकील का वर्ग तो यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हम वकीलों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम किसी जात की, किसी धर्म की, किसी बिरादरी की, किसी पंथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोर्ट के अंदर में एक पार्टी या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा होना हो सकता है, हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। लेकिन जहां देश की हित की बात हो, तो हर वकील एक कांधे से कांधा लगाकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर में जब नमाजों में, मस्जिद में जब खड़ा हुआ जाता है, तो वहां न कभी कोई बादशाह देखा जाता है, न कोई फकीर देखा जाता है, न कोई भिखारी देखा जाता है, एक शोर उनके लिए वहां होता है, एक ही सब में खड़े हैं महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। वहां ये कहा जाता है कि हम एक लाइन में अगर उस नमाज में खड़े हैं, तो कांधे से कांधे लगाकर खड़े होना है, वहां में देखना नहीं कि ये बादशाह या ये भिखारी है। ये देश की भी लड़ाई है, हमें ये नहीं देखना है कि ये लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये ब्राह्मण लड़ रहा है, सिख लड़ रहा है, पारसी लड़ रहा है, जैन लड़ रहा है, ईसाई लड़ रहा है, ये नहीं देखना है। ये देश की हित की बात है, हमारे हित की बात है, वरना हमें काटने के लिए तो खड़े हैं, हमें कटवाने के लिए उनको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका सुपड़ा साफ करने के लिए बैठे हैं। हमको समझना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा, जाति जाति से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर, अभी हमारे पत्रकार महोदय थे, उन्होंने कहा कि पत्रकार ये जो है ये चौथा स्तंभ है, साथ में मीडिया बिक चुकी है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुका है, जो खुददार है वो आप जैसे लोग बैठे, वरना आज इन्होंने उनको धमकी दी सभी जगह। ये पूरा स्लोब आयोजन था, इसके साथ कांग्रेस है, ये अकेले बीजेपी नहीं कर रही है, तुम लड़ो हम कपड़े संभालते वाला काम चल रहा है, और इन्होंने धीरे धीरे सारी चीजों को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मिलिट्री डिपार्टमेंट को, ईडी को, सीडी को, जितना भी है सबको इन्होंने पहले ही हैक कर चुका था। आज हम ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये पहले का है, ये आज हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना आया, कांग्रेस को कंट्रोल करना नहीं आया। 55 साल में उन्होंने सत्ता भोगी, सिर्फ तोंदे बढ़ाई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, स्कूल लाए, सारी चीजें लाई, उनको उसमें खुश कर दिया है। आज इन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर दिया, देश को बेच दिया, रेलवे को बेचा, बैंक को, सारी चीजों को बेचा है। अभी मुझे उस दिन पता चला कि WCL में रिजर्व फंड होता है, आज ये हालत है कि अभी परसों, अभी 2 महीने पहले हमारे भाई रिटायर्ड हुए हैं, तो उनमें रिजर्व फंड होता था लगभग 1,69,000 करोड़ रुपए, ये WCL का रिजर्व फंड था। पहले तो मैंने सुना था कि RBI के पास का रिजर्व फंड उन्होंने लेके गया, जो RBI को देने का अधिकार नहीं था, लेकिन RBI ने दिया, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ भी आदमी ब्राह्मणवादी, ऊपर भी बैठा हुआ वही, इनको सारा सिस्टम उनको उस तरीके से चलाना है। RBI ने भी पैसा दिया,
एलआईसी के पास भी 1,70,000 करोड़ रुपया एलआईसी से भी लेकर गया, क्योंकि उनका चेयरमैन भी वही होता है, लेकिन ये भी पैसा लेकर गया। और डब्ल्यूसीएल का 1,00,000 यानी 1.25 लाख करोड़ के आसपास का भी रिजर्व फंड ये गवर्नमेंट ले जा चुकी है। इस तरीके से अगर हमने देखा तो पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने खाली कर दिया है, जमीनों पर कब्जा है इनका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनों पर, रेलवे की जमीनों पर, और अभी आज वक्त की जमीनों पर भी इनकी नजर बैठी है। आदिवासियों को इन्होंने नंगा कर दिया है, आदिवासियों की जमीन छीन ली है। आज जो शोषित समाज है, जो शेड्यूल कास्ट समाज है, जो डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाला जो समाज है, हम भी डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाला समाज है। यहाँ कोई बाबा साहब किसी एक अकेले समुदाय के नहीं है, ये सारे समुदाय के बाबा साहब है। आज सभी के अधिकार को इस संविधान में बदल करके छीनने की कोशिश कर रहे, हम उन्हें छीनने नहीं देंगे। आज यकीनन आज ये वकील वर्ग इस आंदोलन को लेकर खड़ा हुआ है। मैं आज आपके इस मंच के द्वारा मैं ये यहाँ पर जाहिर करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के माध्यम से मैं आपको इस बात पर, इस जगह पर गवाही देता हूँ, क्योंकि आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सरपरस, हमारे सब कुछ इंजीनियर मोहम्मद हाबिब साहब बैठे हैं, हमारे ईमान तंजीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब साहब बैठे हुए, हमारे जावेद साहब भी है, हमारे नए साथी जुड़े हैं, हमारे ग्रुप कर्जे भी यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम साथियों की ओर से मैं आपको एक यहाँ गवाही देता हूँ कि जब भी आप हमें आवाज देंगे, हम यहाँ पर आपके साथ में खड़े। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, ईमान तंजीम, सुन्नी फोर्स, ये तमाम विंग आपके साथ में खड़ी है। उस दिन हमारा आंदोलन था, हमने देखा ये ईवीएम का मसला किसी देश के एक नागरिक का नहीं है, ये पूरे भारत देश का मसला है। हम खुद ब खुद इस पंडाल में आए और हमने कहा कि साहब हम के साथ है, आने वाले दिनों में जब भी कहीं आपका आंदोलन होगा, मैंने आपको कहा है कि मैं यहाँ से 70 किलोमीटर दूर भिवापुर में रहता हूँ, जहाँ भिवापुर पूरा महाराष्ट्र के भारत के अंदर भिवापुरी मिर्ची से जाना जाता है, उस जमीन में मिर्ची भी तेज होती है, हम भी तेजी से ही बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि विदर्भ की अगर कोई ग्रामीण की अगर बात हो, आपका मैसेज अगर ग्रामीण में अगर पहुंचाना हो, तो ये बंदा आपके साथ में हमेशा खड़ा है। ग्रामीण में आपका संदेश पहुंचाने की हम कोशिश यकीनन करेंगे। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, जहां जहां भी भारत में कोई काम होगा, ईवीएम की इस बात को हम उठाएंगे। ये ईवीएम आपका नहीं, क्योंकि इस देश में हमने देखा विदेशों ने जिसको फेंका, इस देश में उसको झेला है। ईवीएम में उन्होंने फेंका, इन्होंने झेला। नोकिया वहां फेंका गया था, यहाँ पर झेला गया। पैरासिटामॉल वहां फेंकी गई, यहाँ पर झेली गई। विक्स वहां पर फेंका गया, यहाँ पर झेला गया। जो फेंक देते, माने इस देश के नागरिक को इतना फेंका हुआ कह दिया गया है कि जो थूकते हैं उसको हम चाट देते हैं। हमें कहने की जरूरत है, अभी जिसमें जमीर बाकी है, जिस देश की जनता में जमीर बाकी है, हमारी आवाज जा रही है। वकील भी अगर कोई सुन रहे हो जो आपसे इस बारे में थोड़ा सा कटुता रखते हैं और हमारी आवाज सुने, हम चाहते हैं कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें थूके हुए को चाटना नहीं है, उसको अभी गद्दी से उतारना है। बहुत हो गया, अब सहना नहीं है, उसको वहां रहना नहीं है। अब हमको सत्ता में जाना है, उनको यहाँ से भगाना है। कौन चड्डी पहनता है और किसकी चड्डी उतारनी है, ये निर्णय हम यकीनन 2024 में करेंगे। आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस ताकत को इसलिए माध्यम से, अभी ये छोटे छोटे आज हमने यहाँ प्रोग्राम लिया, ये संविधान चौक पर शायद कुछ आते नहीं होंगे, लेकिन नागपुर के अन्य चौराहों पर भी इस आंदोलन को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भला ही हमारे साथ में 50 लोग क्यों ना है, लेकिन नागपुर के गली गली, चौराहे चौराहे में, ग्रामीण में ले जाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां भी आपको माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे युवा नेताओं की जरूरत पड़ेगी, यकीन इस आंदोलन को हम उस क्रांति में बदलना चाहेंगे। यही बात को मैं कहते हुए अपने बात को यही रोकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।